व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की श्रृंखला जाने अनजाने में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं 1940 और 50 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना की। मुनव्वर सुल्ताना का जन्म 8 नवंबर 1924 को लाहौर में हुआ। मुनव्वर के पिता लाहौर में रेडियो अनाउंसर थे। मुनव्वर सुल्ताना डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों में ले आई। हुआ यूं कि एक दिन मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर दलसुख पंचोली की नजर उन पर पड़ी। उस दिलकश चेहरे को देखकर वो इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी फिल्म खजांची में बारगल का एक छोटा सा रोल ऑफर किया। फिल्मों के लिए उनका क्रेज तो था ही, और इसी के मद्देनजर मुनव्वर ने ना नहीं किया, बल्कि वो इस फिल्म में शामिल हो गई उस छोटे से रोल के लिए। 1941 की इस फिल्म में उन पर एक गीत भी फिल्माया गया था, पीने के दिन आए। इस फिल्म में उनका स्क्रीन नेम था आशा। फिलहाल उनकी शुरुआत तो हो चुकी थी और उनका नाम भी पहुंच चुका था फिल्म जगत में। अब्दुल रशीद कारदार यानी A.R. कारदार जाने माने फिल्मकार, उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना को अपनी फिल्म शाहजहां में मुमताज महल के किरदार के लिए साइन किया। पर उन्हीं दिनों बॉम्बे डॉक में धमाका हो गया। मुनव्वर की माँ बुरी तरह डर गईं और वो मुंबई से वापस लाहौर आ गईं। मुनव्वर के दिल में डॉक्टर बनने का पुराना ख्वाब दोबारा हिलोरे लेने लगा, मगर मुनव्वर तो फिल्मों के लिए ही बनी थी। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मजहर खान एक दिन उनके घर पहुंचे, 4,000 रुपया महीना और एक बढ़िया सा फ्लैट का ऑफर दिया। अब किस्मत खुद फिल्मी दुनिया का दरवाजा उनके लिए खटखटा रही थी, तो भला मुनव्वर कैसे मना करती। वो वापस मुंबई आ गईं। 1945 में निर्देशक मजहर खान की फिल्म पहली नजर में उनके साथ थे उस समय के सुपर हीरो मोतीलाल। ये मुनव्वर सुल्ताना की अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से वो फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। इसी फिल्म के लिए मुकेश ने अपने फिल्मी करियर का पहला गीत गाया, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। ये गीत मोतीलाल पर फिल्माया गया। संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीत आह सीतापुरी ने लिखा था। निर्देशक मजहर खान ने इस गीत के चित्रांकन के दौरान मुनव्वर सुल्ताना के क्लोजअप्स का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। इसके बाद 1947 में मुनव्वर सुल्ताना को महबूब खान की फिल्म ऐलान में काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनके साथ थे अभिनेता सुरेंद्र। महबूब खान की ऐलान एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोशल फिल्म थी जो मुस्लिम औरतों की एजुकेशन की पैरवी करती थी। जिया सरहदी की लिखी ये फिल्म 1947 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। 1947 में ही मुनव्वर सुल्ताना को वी शांताराम की राज कमल कला मंदिर की फिल्म मिली अंधों की दुनिया। अभिनेता थे महिपाल और निर्देशक थे केशव राव दाते। केशव राव दाते अभिनेता भी थे और वी शांताराम की यादगार फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी में कोटनीस के पिता का किरदार निभाया था। इसके अलावा भी उन्होंने वी शांताराम की कई फिल्मों में अभिनय किया है। निर्देशक के रूप में ये उनकी चौथी और आखिरी फिल्म थी। मुनव्वर सुल्ताना ने 1947 में दो और फिल्में की, जिसमें मोहन पिक्चर्स की फिल्म नैया में उनके हीरो थे मजहर खान, जिनके निर्देशन में उन्होंने पहली नजर फिल्म की थी। मुनव्वर सुल्ताना A.R. कारदार की फिल्म शाहजहां में तो काम नहीं कर पाई थी, लेकिन कारदार उन्हें भूले नहीं थे। अपनी 1947 की फिल्म दर्द में उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना को लीड रोल दे दिया, जबकि सिंगिंग स्टार और अभिनेत्री सुरैया सेकेंड लीड में थी। A.R. कारदार के भाई नुसरत कारदार हीरो थे। फिल्म तो मशहूर हुई ही, फिल्म के गाने भी बेहद पसंद किए गए। उर्दू शायर शकील बदायूनी की ये पहली फिल्म थी। उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद ने A.R. कारदार से करवाई और फिर गीतकार के रूप में शकील बदायूनी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी ने हिंदी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीत दिए। दर्द फिल्म में गायिका उमा देवी का गाया गीत अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का जबरदस्त हिट हुआ। उमा देवी ने बाद में नौशाद की सलाह पर अभिनय को अपना करियर बनाया और टुन टुन के नाम से हास्य अभिनेत्री के रूप में मशहूर हुई। दर्द फिल्म में शकील बदायूनी का लिखा पहला गीत हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, शमशाद बेगम ने गाया। ये गीत भी काफी पसंद किया गया।
1948 में नवर सुल्ताना की 4 फिल्में रिलीज हुई जिसमें मजबूर और मेरी कहानी चर्चित रही। मेरी कहानी फिल्म में प्रोड्यूसर थे शराफ अली, जिन्हें मुनव्वर सुल्ताना अपना दिल दे बैठी। शराफ अली फिल्मों के लिए फर्नीचर सप्लाई किया करते थे। उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना के लिए एक और फिल्म बनाई थी, प्यार की मंजिल। 1950 की इस फिल्म में हीरो थे रहमान। 1949 में मुनव्वर सुल्ताना की रिकॉर्ड 7 फिल्में आई। इनमें श्याम और कुलदीप कौर के साथ मुस्लिम सोशल कनीज सर्वाधिक चर्चित रही। एक दुखियारी औरत जिसका पति दूसरी औरत की संगत में भटक गया था मगर बाद में लौट आया। इसी साल आई फिल्म उद्धार में उनके साथ थे देवानंद और भारत भूषण। इसके बाद 1950 में उनकी एक और कामयाब फिल्म आई बाबुल। दिलीप कुमार के साथ उनका किरदार एक अमीरजादी का था जो भोली भाली लड़की और गरीब सिंगर नरगिस की लव स्टोरी के बीच आ जाती है। फिल्म में दिलीप कुमार और मुनव्वर सुल्ताना का गीत मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का काफी लोकप्रिय हुआ। पार्श्व गायन तलत महमूद और शमशाद बेगम ने किया था। 1950 में उनकी 3 फिल्में और आईं, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्मों की रफ्तार कम हो गई। कहते हैं कि फिल्मों के चयन में वो बहुत सेलेक्टिव हुआ करती थी। 1952 में 2, 1954 में 3, 1955 और 1956 में उनकी एक एक फिल्म रिलीज हुई। 1956 की फिल्म जल्लाद मुनव्वर सुल्ताना की आखिरी फिल्म थी। मुनव्वर सुल्ताना के चेहरे पर गजब की कशिश थी। उनका चेहरा बेहद एक्सप्रेसिव था, चाहे खुशी हो या गम खुद ही बोलता था। उन्होंने जो भी किरदार किए, चाहे फर्स्ट लीड रही हो या सेकंड, अपनी जबरदस्त मौजूदगी उन्होंने अपने हर किरदार से दर्ज कराई। आकर्षक व्यक्तित्व के मद्देनजर वो लक्स के विज्ञापन में भी नजर आई। शादी के बाद उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी थी और गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से रम गई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1966 में उनके पति शराफ का इंतकाल हो गया। सिनेमा उन्हें भूल चुका था। 4 बेटे और 3 बेटियों का बोझ मुनव्वर ने अकेले ही उठाया, बच्चों को अच्छी तालीम दी। जिंदगी के आखिरी 8 साल मुनव्वर सुल्ताना ने बहुत तकलीफ में गुजारे। उन्हें अल्जाइमर रोग ने दबोच लिया था, कुछ भी याद नहीं रहता। मजहर खान, मोतीलाल, श्याम, सुरेंद्र, दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर आदि तमाम मशहूर अभिनेताओं की दिलकश अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना का 15 सितंबर 2007 को 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बस कुछ ही अखबारों में छोटी सी खबर छपी थी, अफसाना लिख रही हूँ, मुनव्वर नहीं रही। व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।